तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं भाई साहब गरीबों का मेला देखने। काफी हम तो अभी तैयार हो रहे हैं, देख लो बड़का भैया तैयार हो रहे हैं। हम तो भैया तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं। ये ताजी जहाँ पर लेके जाएंगे वहीं पर मेला भी होने वाला है, तो चलते हैं वहीं पर आज देखेंगे। ओके अभी तो मैं फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ ना धो के। देखिए ब्लैक एंड वाइट पैंट पहन रहा हूँ, आप ही लुक झकास लग रहा ना देखने में, और हेयर तो बहुत ही खतरनाक है। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, उसके बाद चलते हैं। वो भाई आम खा लो यार, ये तो यार आम है, वाह स्वादिष्ट आम, बहुत ही बड़ा आम था भाई साहब, एक आम आधा किलो का था। ओके चलिए फिलहाल अभी तैयार हैं, उसके बाद चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं मेला किस तरह का वहाँ का मेला। तो देख लो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमसे 65 साल पुराने हैं। तो दोस्तों हमारे गांव से अभी ताजिया निकल चुका है, और ये जहां पर लेके जा रहे हैं वहीं पर भाई मेला होने वाला है, तो चलिए आज वहीं पर मेला देखते हैं। अभी देखिए ताजिया बहुत ही दूर है, हमारे गांव से निकल चुका है, इस साइड आ चुका है, सड़क इस पार आ गया भाई तब। तो गाइस चलते हैं अभी हम मेला देखने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटा सा मेला है फिलहाल, जैसा भी है मस्त है, चलिए दिखाते हैं अभी आपको। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेला में, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना दमदार मेला है ना, बहुत छोटा सा मेला है, बहुत ही देख लीजिए काफ़ी कम दुकानें हैं लेकिन लोग बहुत हैं। अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे तब देखना आप, बहुत लोग आते हैं, इतना भीड़ लग जाता है कोई जवाब नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, अभी जब शाम होगा ना उसके बाद फिर देखना यहाँ पर भीड़ ही भीड़, एक भी सामान मिलेगा नहीं खरीदने पर। जलेबी पर तो ऐसे टूट जाएंगे भाई साहब कि पूछो मत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भीड़ नहीं लगा हुआ, फिलहाल मस्त है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आए हैं मेला में, ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसके बाद अभी जो भी खाएंगे आपको हम दिखाने वाले हैं, ठीक है भाई। फिलहाल इसे पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आपको दूसरा कुछ दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर ताजिया को दफनाया जाता है उसके लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ताजिया को लाके दफना देंगे, हर साल लाके यहीं पर दफनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ताजिया को दफनाने के लिए कब्र बनाया गया है, काफ़ी लगभग 5x8 होगा, 8x9 होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं लगभग 4 फीट गहरा हुआ है, अभी लाके यहाँ पर दफनाएंगे। ओके भाई, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना तगड़ा पेड़ था, लेकिन तो यार बारिश में ये पेड़ गिर चुका है। तो दोस्तों हम मेला में अभी तो जलेबी खा रहे हैं भाई, उसके बाद देखिए क्या क्या खाते हैं, मज़ा आता है। फिलहाल जलेबी मुझे ज़्यादा पसंद था इसलिए मैं जलेबी खा रहा हूँ, लेकिन तो चार चाउमीन तो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, उसे नहीं खाऊँगा, अब मन करेगा कुछ खाऊँगा खाऊँगा वरना नहीं खाऊँगा। तो भाई आप भी खा लीजिए, मस्त है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कितना भीड़ हो चुका है, पहले में जब मैं बनाया था तो भाई भीड़ नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी बहुत भीड़ हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ हो चुका है, और आप देख लीजिए चाट के पास वाले के पास कितना लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि शाम जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे ही यहाँ पर भीड़ बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं दादा परदादा के जमाने का ट्रैक, काफ़ी पुराना हो चुका और जाके पड़ा हुआ है भाई साहब, इससे आपकी शादी में लेके चलेंगे भाई से, भाई के शादी में लेके चलेंगे, भाई के शादी में लेके चलेंगे, दुल्हनिया के जो भी जो भी मिलेगा सामान सब उस पर लाद के लेके आएंगे उस ट्रक पे, अच्छा कि नहीं। अगर आपको भी बुकिंग कराना है तो आप कमेंट में लिखिए, आपका बुकिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ताजिया लेकर आ रहे हैं, उसके बाद लेके जाएंगे उस गड्ढे में ले जाके दफना देंगे, आप जो गड्ढा मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर ले जाके इस ताजिया को दफना देंगे। अभी तो बहुत ही खुशी मनाते हुए लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छा ताजिया बनाया गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाते बजाते लेके जा रहे हैं ताजिया को, इतना खुशहाल मौसम है यहाँ का और खुशहाल माहौल भी बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना गजब का सजाया गया हुआ है ताजिया को, अभी बच्चे भी उठा रहे हैं और काफी लोग उठा रहे हैं, और अभी उसे आगे लेकर जाएंगे, बहुत ही गजब का बनाया गया हुआ है। दोस्तों आप
देख सकते हैं कि शाहजियों को बाहर समेट के रास्ते लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं खेत में होते हुए लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो ये ताजियों को यहाँ पर लेके चले आए हैं, उसके बाद यहाँ पर फातिया होगा, उसके बाद फिर उस कब्र में इसे डाल देंगे यानी कि दफना देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, मजा आया ना? अगर मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देखें, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।